आज दिनांक 30 जनवरी सुबह 7:30 बजे थाना क्षेत्र मधुबन बापू धाम में 2 शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के प्राप्त होने के उपरांत तत्काल ही थाना पुलिस फोरेंसिक टीम तथा फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सात संकलन के बाद दोनों शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों शव के पर फायर आर्म इंजरी के निशान हैं तथा उनके पास उनके मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर एक एस-क्लास गाड़ी भी बरामद हुई है। दोनों शवों की पहचान दीपक चौधरी और विनोद चौधरी के रूप में हुई है, जो कि महिंद्रा इनक्लेव के रहने वाले हैं, जिसमें विनोद उनके हस्बैंड हैं और दीपक उनकी पत्नी है। और विनोद के शव के पास एक तमंचा फायरशुदा उसमें कारतूस फंसा हुआ है उसकी नाल में, वो भी बरामद हुआ है। परिजनों से पूछताछ से पता चला है कि विनोद चौधरी काफ़ी दिनों से डिप्रेशन के शिकार थे तथा शाम के समय ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करते थे। कई बार इन्होंने अपने परिजनों से भी कहा था कि मैं मरूंगा तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के मरूंगा। इस तरह के तथ्य परिजनों से पूछताछ में सामने आए हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विनोद चौधरी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। इसके अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। इनकी किसी प्रकार की कोई रंजिश सामने अभी तक नहीं आई है तथा जो भी इनके परिजन हैं और जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ में यह भी पता चला था कि कुछ दिन पहले ये कहीं से तमंचा ला करके अपनी गाड़ी में रखे हुए थे छुपा करके। इन अन्य पहलुओं की इसकी जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण पति द्वारा पत्नी की हत्या करके स्वयं आत्महत्या करना प्रतीत होता है।